ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं बुक पेज नंबर 12 की तरफ। तो देखते हैं बुक पेज नंबर 12 पर क्या है। इसमें यकीनन आपको नजर आ ही रहा होगा कि इस पे लीफ बने हुए हैं और लीफ पर आपको इंसेक्ट भी नजर आ रहे हैं ना, कैटरपिलर और लेडी बर्ड। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। यस, सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल। अ कैटरपिलर लिव इन अ ट्री एंड ईट लीव्स। अ लेडी बर्ड हेल्प प्लांट बाय ईटिंग अ टिनी इंसेक्ट विच कैन हार्म देम। यानी कि कैटरपिलर जो है कहाँ रहता है, ट्रीज पर पत्तों को खाता है कैटरपिलर। और ये लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड क्या करते हैं, इस पे लेडी बर्ड जो पत्तों के ऊपर छोटे छोटे से स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं ना, टीनी इंसेक्ट्स, तो वो इनको खाता है और ये जो पत्तों को जाया कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आते हैं इसके बाद। सम एनिमल लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। कुछ एनिमल जो होते हैं वो बहुत कोल्ड प्लेसेस पर रहते हैं, जैसे द लेग ऑफ अ सील आर लाइक क्रीपर विच हेल्प इट टू स्विम इन द सी। जो ये सील फिश दिखाई गई है पानी के अंदर, तो ये क्या है, ये सील फिश है और ये अपने स्विम्स की मदद से स्विम करती है और ये पानी में रहती है। स्टूडेंट, इसकी लेग्स है ना, नजर आ रही है आपको, बहुत खूबसूरत सी छोटी छोटी सी लेग्स, इसकी मदद से ये स्विम करती है। ओके स्टूडेंट, अब ये है, इसका नाम क्या है, सील। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसके बाद क्या है, ये पॉलर बियर को देखें। पॉलर बियर हैज वेरी थिक फर एंड लेयर्स ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन टू हेल्प इट कीप वार्म। जो ये पॉलर बियर नजर आ रहे हैं ना आपको, इसके बॉडी पर बहुत थिक फर होते हैं, ठीक है, तो इनकी मदद से ये अपने स्किन को ये हेल्प देते हैं, यानी वार्म प्लेसेस से मदद करते हैं। ये क्या है, इसके जिस्म पे बहुत, इसकी बॉडी पर बहुत ही थिक लेयर होती है इसकी, पॉलर बियर की ना। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, बुक पेज नंबर 13 पर। बुक पेज नंबर 13 पर हम देखते हैं क्या है। यहाँ पर बिग एनिमल्स नजर आ रहे हैं, यकीनन एनिमल में क्या है, कैमल, ऑस्ट्रेच और उसके बाद एक फिश नजर आ रही है, रे। ओके स्टूडेंट, अब हम इनके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं और एक्सप्लेन भी करेंगी मैम। यस, सम एनिमल्स लिव इन वेरी हॉट प्लेसेस लाइक दिस कैमल। यानी कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हॉट प्लेसेस पर रहते हैं, जैसे आपने तो पढ़ा ही होगा कैमल के बारे में कि ये डेजर्ट एनिमल है, ये सहराओं में रेगिस्तानों में होता है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अ कैमल कैन गो विदाउट फूड और वाटर फॉर मैनी डेज। यानी कि जो कैमल है वो बगैर खाए पिए कई दिन तक जिंदा रह सकता है। यानी कि आपने देखा इसकी बॉडी पर बहुत ऊंचा सा ये कुहान है, तो ये क्या है, इधर ये पानी, बहुत सा पानी जमा कर लेता है जो कई दिन तक इसको प्यास नहीं लगती है, उसकी हेल्प करता है ना वाटर। तो इसके बाद है द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इट लिव्स इन द डेजर्ट। ये ऑस्ट्रिच नजर आ रहा है आपको, यस yes. तो ये क्या है, इसे हम उर्दू में शुतुरमुर्ग बोलते हैं। तो शुतुरमुर्ग जो है ये भी डेजर्ट में रहता है और इसके एग के बारे में तो आपको पता है ना, हाफ के जी का इसका एग होता है, सबसे बड़े साइज का। ओके स्टूडेंट, तो ये है ऑस्ट्रिच और ये है कैमल। अब हमने इन दोनों के बारे में आपको बता दिया। अब खाते हैं हम। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, यानी कि कुछ एनिमल्स, ये तो आपको पता है ना कि खुश्की पर रहते हैं, डिजर्ट में रहते हैं, और इसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ एनिमल जो होते हैं वो वाटर में भी रहते हैं ना। अरे इज अ फिश विच इज शेप लाइक अ काइट इट सीम्स टू फ्लाई थ्रू द वाटर बाय फ्लैपिंग इन ह्यूज विंग्स। यानी कि जो रे फिश है उसकी शेप कैसी होती है, फिश की तरह होती है, यस, ये दिखाई गई है ना रे फिश, इसकी शेप कैसी है, काइट की तरह। ओके स्टूडेंट, जो ये फ्लाई करती है वाटर में पानी के अंदर, इनकी मदद से ये बहुत बड़े, इसके विंग्स दिखाए जा रहे हैं, आप नजर आ रहे होंगे आपको यकीनन, तो इसकी मदद से ये विंग्स की मदद से पानी के अंदर स्विम करती है। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा चैप्टर यहीं तक, आपको मैम हाफ चैप्टर करवा रही हैं रीड, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है ये, बुक पेज नंबर 13 तक मैम ने रीड करवा दिया है। और आपने क्या करना है, घर में अगेन इसको रीड करना है और इसके बाद आपने कॉपी पर टाइटल पेज भी बनाना है। ओके स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी एनिमल जो आप इजीली बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप टाइटल पेज बनाने के बाद नेक्स्ट पेज पर कोई भी एक एनिमल खूबसूरत सा ड्रॉ कीजिएगा। ओके स्टूडेंट,
और फिर नेक्स्ट क्लास में मैम उसका हाफ चैप्टर आपको रीड करवाएंगी और उसके साथ ही इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग करवाएंगी। ओके स्टूडेंट, तो आते हैं हम बोर्ड की तरफ और आज की डायरी राइट करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लास टू आज की डायरी है हमारी साइंस की, सब्जेक्ट है हमारा साइंस। मे का टाइटल पे प्लस रेट यूनिट नंबर टू, यानी कि जो मैम ने आपको क्लास में रीडिंग करवाई है स्टूडेंट, उसको अगेन रीड करना है। उसके साथ ही साइंस की कॉपी पर आपने टाइटल पेज बनाना है और मैम ने आपको भी बताया नेक्स्ट पेज पर आपने एक एनिमल भी ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, बहुत सारी दुआओं के साथ मैम आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।